आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रसादार पात्रा की रेसिपी, जो कि ये गुजरात का फेमस नाश्ता है। ये रसादार पात्रा बिल्कुल फरसान वाले की दुकान जैसा घर पर हम आसानी से बनाएंगे। ये रस वाले पात्रा बनाना बिल्कुल ही आसान है। तो चलिए आज की सुपर टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को जरूर से दबाएं, ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पर मैंने ये अरबी के पान 250 ग्राम जितने लिए हैं, जिससे मैंने 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और पान को मैंने कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ भी लिया है। मैंने ये 250 ग्राम जितने अरबी के पत्ते लिए हैं, आप अपने हिसाब से पान लीजिएगा। अब उसमें से हम एक पान लेंगे और उसकी स्टीम का पार्ट है वो हमें इस तरह से नाइफ की मदद से कट करते जाना है और इसे हमें निकाल लेना है। जितनी भी मोटी वाली स्टीम है उसे हमें इस तरह से नाइफ की मदद से आराम आराम से कट कर लेना है। ध्यान रहे कि हमारा जो अरबी का पत्ता है वो कट ना जाए, बिल्कुल आराम आराम से आप कट कीजिएगा। अब बेलन की मदद से हम इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इस पत्ते को बेल लेते हैं, ताकि जो छोटी छोटी स्टेम है वो भी अच्छे से फ्लैट हो जाए और जब हम पात्रा खाए तो उसकी स्टेम मुंह में ना आए और अच्छी तरह से पात्रा मुंह में घुल जाए। तो इस तरह से सारे पान की हमें स्टेम कट कर लेनी है और उसे हमें अच्छे से बेल लेना है। अब इस पत्ते पर लगाने का हम बैटर बना लेते हैं। उसके लिए हम बाउल में लेंगे 2 कप जितना बेसन, आप चाहो तो उसमें 2 टेबलस्पून जितना चावल का आटा भी ऐड कर सकते हो। अब उसी के साथ मैंने यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसको मैंने कद्दूकस करके लिया है, वो ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जितनी हरी मिर्च की पेस्ट, 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच जितनी हींग ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला, 2 टेबलस्पून जितनी चीनी और 2 टेबलस्पून जितना हम यहाँ पर डालेंगे सफ़ेद तिल। और इन सारी चीज़ों को, यानी कि जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, उन सारी चीज़ों को हम चम्मच की मदद से चने के आटे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक बैटर बना लेते हैं। ये बैटर हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है और ना ज़्यादा थिक भी रखना है, मीडियम कंसिस्टेंसी वाला हमें बैटर बनाना है, ताकि जब हम पत्ते पर इस बैटर को लगाएं तो वो अच्छी तरह से हम लगा पाएं। अब यहाँ पर हम 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा डालेंगे और बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए 1 टीस्पून जितना हम नींबू का रस ऐड करेंगे और फटाफट से विस्कर की मदद से इस बैटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बेकिंग सोडा डालने से जो पात्रा बनते हैं वो एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो आप देख सकते हो कि बैटर हमारा बनकर रेडी है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब हम अरबी का एक पत्ता लेंगे और उस पर हम 2 बड़ी चम्मच जितना हमने जो बैटर बनाया है वो डालेंगे और हाथों की मदद से इस तरह से पूरे पत्ते पर हम ये बैटर लगा देंगे। पूरे पत्ते पर ये बैटर हमें इक्वली लगाना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें बैटर को लगाना है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पत्ता लेंगे और जो बैटर लगाया हुआ पत्ता है उसके हम ऑपोजिट साइड से, यानी कि दूसरा पत्ता हमें ऑपोजिट साइड पे रखना है और उस पर भी हमें ये बैटर अच्छे से लगा लेना है। इसी तरह से हमें 4 से 5 पत्ते लेने हैं और इसी तरह से हमें रखते जाना है ऑपोजिट साइड में और बैटर हमें पत्ते पर लगाते जाना है, ये देखिए, ताकि जब पात्रा बने तो ढेर सारे लेयर वाले बने। तो मैंने ये पत्ते में बैटर लगा लिया है। अब जो दोनों साइड से उसकी हम इस तरह से बीच में फोल्ड कर लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। अब उस पर हम थोड़ा सा बैटर लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा ही हमें बैटर लगाना है। अब धीरे धीरे करके हम इसका एक रोल बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा हमें ये टाइट रोल बनाना है, ताकि जब हम इसे स्टीम करने के लिए रखें तो वो खुले नहीं। रोल बनाते टाइम जब लास्ट का पार्ट रहे तो उस पर हम थोड़ा सा बैटर लगाएंगे और अच्छे से हम इसका रोल तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये रोल तैयार कर लिया है। तो इस तरह से हमें सारे रोल बना लेने हैं। अब मैंने यहाँ स्टीमर को मीडियम गैस की फ्लेम पर पानी डालकर गर्म करने के लिए रख दिया है और अब प्लेट में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और प्लेट को हम अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेते हैं। अब हमने जो पात्रा के रोल्स बनाए हैं वो स्टीमर में हम रख देंगे। तो इस नाप से मेरे ये 3 पात्रा के रोल बने हैं। अब स्टीमर को हम कवर कर देंगे और कम से कम इसे 20 से 25 मिनट तक पकने देते हैं।
तो 25 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि पात्रा हमारे अच्छे से कुक हुए हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। नाइफ़ की मदद से इस तरह से चेक करेंगे तो आप देख सकते हो कि नाइफ़ है वो बिल्कुल क्लीन निकली है। दैट मीन्स कि हमारे पात्रा अच्छे से कुक हुए हैं। अब पात्रा को हम बिल्कुल ठंडा होने देते हैं। तो आप देख सकते हो कि पात्रा हमारे बिल्कुल ठंडे हो गए। अब हम इसे कट कर लेते हैं। पात्रा ठंडा होने के बाद ही आप कट कीजिएगा, वरना गरम गरम पात्रा आप कट करोगे तो उसके सारे लेयर्स खुल जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रहे। आप इसको ज़रूर से बनाएगा। अगर आप बनाए तो मुझे कमेंट करें और इंस्टाग्राम पर भी कुक विथ मनीषा पटेल में भी कमेंट करें, और मैं वहाँ पर भी बहुत सारे फूड रिलेटेड अपडेट्स वहाँ लगातार डालती हूँ। तो इस तरह से हमें सारे पात्रा मीडियम साइज़ में कट कर लेना है। तो हम बना रहे हैं रसादार पात्रा, तो उसके लिए मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम 2 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे। तेल गरम होते ही उसमें हम 1 टीस्पून जितनी राई चटकते ही आधे टीस्पून जितना जीरा, और मैंने यहाँ 3 से 4 हरी मिर्च ली है जिसके मैंने इस तरह से स्लाइस कट कर लिए हैं, वो ऐड करेंगे। थोड़े से हम ऐड करेंगे करी पत्ते और 2 टेबलस्पून जितना हम यहाँ पर डालेंगे सफ़ेद तिल, और अच्छे से इन सारी चीज़ों को सौते कर लेते हैं। पात्रा में सफ़ेद तिल ज़रूर से डालिएगा ताकि उसका लुक और उसका नटी टेस्ट पात्रा में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये तड़का हमारा बनकर रेडी है। अब हम उसमें ऐड करेंगे 1.5 कप जितना पानी। पानी हमें नॉर्मल ही लेना है, ना गर्म और ना ठंडा। पानी डालने के बाद अब उसमें हम थोड़े से मसाले कर लेते हैं। 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून जितनी चीनी और 1 टेबलस्पून जितना हम नींबू का रस ऐड करेंगे, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हल्का सा पानी उबलने लगे तो हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पर ही रखनी है और ये पानी हमें कम से कम 3 से 4 मिनट तक उबलने देना है। तो 4 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि पानी हमारा अच्छे से उबल गया है। अब गैस की फ्लेम को हम लो पर कर लेते हैं और उसमें हम एक एक करके पात्रा ऐड करते जाएंगे। अब कवर करके हम इसे 4 से 5 मिनट तक पकने देते हैं। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि पात्रा में अभी भी थोड़ा सा पानी बचा है, मगर जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा पात्रा, वैसे वैसे ही सारा पानी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो रेडी है हमारे रसादार पात्रा। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। पात्रा को सर्व करने के बाद कद्दूकस किया हुआ फ्रेश नारियल और हरे धनिए से इसे हम गार्निश कर लेंगे। तो आप ये गुजराती रसादार पात्रा की रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही नई रेसिपी के साथ।